ones that hold the highest truth. Hello guys, how are you all and welcome to my channel once again. So today's video is not going to be a vlog or review and stuff like that. आज मैं बात करने वाला हूँ एक स्पैम मैसेज को लेकर जो हाल ही में सोशल मीडिया में वायरल हो गया है. तो एक नंबर है 777-888-999, तो उसको लेकर ही मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में. आप लोग शायद समझ चुके होंगे मैं किस नंबर और किस मैसेज के बारे में बात करने वाला हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आप लोगों के व्हाट्सएप और फेसबुक में ज़रूर से मैसेज आया होगा कि 777-888-999 ऐसे कुछ नंबर से अगर आपके फ़ोन पे कोई फ़ोन है तो उठाएगा मत, अगर आप उठाते हैं तो आपका फ़ोन फट सकता है. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आपका फ़ोन नहीं फटने वाला इस तरह के कॉल रिसीव करने से. हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप अगर उस नंबर के फ़ोन को पिकअप करें तो आपके फ़ोन के डेटा शेयर हो सकता है उन लोगों के साथ, जो सच में हो सकते हैं. मैं उसके बारे में बात करता हूँ अभी. डेटा शेयर हो सकता है आतंकवादियों के साथ, आपके फ़ोन के डेटा और लोकेशन शेयर हो सकता है. इससे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है. आप लोग ही सोचिए, अगर फ़ोन ब्लास्ट के ज़रिए इंसानों के जान जा सकता है तो बॉर्डर में क्यों घमासान मुकाबले कर रहे हैं हमारे देश के सोल्जर्स हम लोगों को बचाने के लिए. अगर एक कॉल के ज़रिए जान लिया जा सकता है तो दुश्मन क्या करेंगे? आपके नंबर पर फ़ोन करेंगे और आपका फ़ोन आप पिकअप करते हैं तो फ़ोन फट जाएगा और राम नाम सत्य हो जाएंगे. तो ऐसा कोई बात नहीं. अगर हाँ, वो कोई RDX वगैरह छुपा कर भी रखते हैं अपने फ़ोन पे, आपके आप अगर रिसीव करें उस फ़ोन को तो फट जाए. लेकिन वो कैसे पहुंचाएंगे वो RDX? ये तो पॉसिबल नहीं है. अगर साउंड वेव के ज़रिए भी पहुंचना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो आप लोग इसे कान खोल कर सुन लीजिए. और आपके फ़ोन पे कोई ऐसा मैसेज भेज रहा है, अपने दोस्त हो आपका कोई भी हो, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए. तो उसको उसका भी गलतफहमी दूर हो जाएगा और आप लोगों के गलतफहमी भी दूर हो जाएंगे. तो कुछ खास नहीं है इस बार इस वीडियो में कहने के लिए. हाँ, आपका फ़ोन ज़रूर से फट सकता है अगर आप कोई ज़्यादा रेटिंग के चार्जर से अपने फ़ोन चार्ज कर रहे हैं. अगर आपका फ़ोन ओवरहीट हो रहा है तो हाँ, आपका फ़ोन फट सकता है. लेकिन ऐसे नंबर पिकअप करने से, अगर कॉल पिकअप करने से कुछ नहीं होने वाला है, तो आप लोग इसे याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि लोग रात में सो नहीं पा रहे ऐसे डरावने मैसेज को देखने के बाद से. तो कुछ खास नहीं है इस वीडियो में कहने के लिए. अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और अगर मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए. तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बने रहे हमारे साथ, और अभी के लिए बाय बाय. Yeah!